वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल गाइस। जस्ट अभी हमने एक व्लॉग एंड करा है और दूसरा स्टार्ट कर दिया क्योंकि आप लोगों को पता है ये हमारे घर पे आए हुए हैं, तो इन्होंने मेरे को बोला भाई कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा चलो घूमने तो चल लेंगे, लेकिन भाई तुम बताओ जाए कहाँ घूमने के लिए। हनुमान मंदिर चलते हैं सीपी वाले। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले चलते हैं हनुमान मंदिर, हनुमान जी को मत्था टेक के आते हैं और उसके बाद चलते हैं इंडिया गेट। चले इंडिया गेट चलते हैं। ठीक है, तो भाई हनुमान मंदिर के बाद चलते हैं इंडिया गेट और फिर सीपी थोड़ा बहुत घूम के आएंगे। आप देख लो सिनेमैटिक और मैं चलाता हूँ स्कूटी। जाना तो गाइस घूमने था लेकिन यहाँ पे पढ़ाई चल रही है और अब देखते हैं कितनी देर और पढ़ाई चलती है, फिर जब पढ़ाई खत्म होगी ना तो फिर उसके बाद घूमने जाएंगे। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय से क्या अनुप्राय है? हाँ, इसका मतलब है कि भारतीय संविधान में जो न्याय के कानून के विषय में या न्याय के विषय में जो बताया गया है उसका क्या मतलब है, अभिप्राय का मतलब है, उसका क्या क्या कहना चाहता है या क्या बताना चाहता है उसमें। अब तुम आंसर दो इसका। भारतीय संविधान से की प्रस्तावना में की प्रस्तावना में एक मिनट पहले सोच ले फिर बताइए। अभिप्राय यह है यह अनुप्राय से यह न्याय उल्लेखित से यह न्याय है कि मम्मी ये ना कंफ्यूज हो रहा है, ये कंफ्यूज हो रहा है। सुन अपनी भाषा में बता दे पहले। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक से राजनीतिक बेटा ऐसा पढ़ाने का तरीका ये नहीं होता। पढ़ाने का तरीका ये होता है बच्चे ने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, इसके बाद में आप इसका क्वेश्चन को अच्छी तरीके से उसका एक एक शब्द का अर्थ बताओ उसको, अगर इसे नहीं आता फिर इसको एक बार आंसर बताओ। आंसर में जो उसके कठिन शब्द हो उनका उल्लेख करो ताकि वो अच्छी तरीके से समझे, फिर वो फटाफट याद करके तुम्हें फटाफट सुनाएगा। चलो भाई अब इसको ना सारे क्वेश्चंस का एक बार ही ना मतलब समझा दो अच्छे से, ठीक है? बात है कि उसमें संविधान में कानून के विषय में क्या बताया गया है क्या नहीं बताया गया। और आगे से तो ऐसे पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई नहीं रेडी नहीं पढ़ा सकते भाई। भाई मैं हिंदी एसएससी मैं पढ़ा दूंगा, बाकी का तू पढ़ा दियो भाई। मैथ साइंस तू पढ़ा दियो। नहीं भाई मैं मैथ्स पढ़ा दूंगा भाई। मैं मैथ्स पढ़ा दूंगा भाई और बाकी इंग्लिश हमारा मैथ्स पढ़ा देगा। आठवीं नौवीं क्लास तक के बच्चों को इंग्लिश मैथ्स पढ़ा देगा। ये देखना गाइस ये बॉल सामने वाले पड़ोसियों के बच्चों की थी और ये मैथ्स उठा के ले आया और इसके ऊपर ये देखो भाई कितने सारे दांत वगैरह मार दिए हैं। भाई जिंदगी में काम है कुछ तरह को है, दूसरों के बच्चों की बॉलें उठा उठा के ला रहा है और ये देखो अभी इसको दूंगा ना फिर ये अपने मुंह में दबा लेगा और फिर वापस लूंगा तो ये फिर देगा नहीं। भाई सुनो मैं ये कह रहा हूँ अब उसे पढ़ा दिया या और भी पढ़ाना है? पढ़ा दिया तो ये पढ़ा दूं। भाई मुझे मत पढ़ाओ, मैं कह रहा हूँ कि पास हो जाएगा वो। ये मेरी गारंटी नहीं है। भाई भाई कैसे ट्यूशन टीचर है, बच्चे को पढ़ा के कह रहे हैं भाई मेरे को नहीं पता पास होगा नहीं होगा। भाई इतनी फीस जीरो फीस ली है भाई इससे मैंने और क्या पास की गारंटी। मतलब किसी से फीस नहीं ली भाई तो उसकी पास की गारंटी नहीं है? नहीं 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 ऐसा अपने का नहीं। भाई कोई अपने अपने बच्चों को भाई इनसे ट्यूशन मत पढ़वाना भाई, ये बड़ा अजीब सा टीचर है भाई। गारंटी मतलब फ्री में पढ़ा रहा था, मतलब फ्री में पढ़ा रहा था भाई, बच्चे फेल है ठीक है देख रहे हो भाई। तुम जिंदगी में ना कभी ट्यूशन टीचर नहीं बनते। वैसे फीस लेगी भी गारंटी नहीं है। फीस लेके भी गारंटी नहीं है भाई साहब। अभी मम्मी को बोलता हूँ अभी उसको हटाएंगे भाई। मैं कोने चलो भाई चलो अब सीपी चलते हैं भाई ठीक है। ये कभी फ्यूचर में टीचर नहीं बन सकते। चले भाई ऑल सेट है चलो। ये आदमी देखो अभी वापस आया है भाई। आदमी वापस क्यों आया है वापस? भाई वो मैं आधे रास्ते में ना मम्मी के आशीर्वाद और ये हुडी लेना भूल गया था तो वो दोनों वापस लेने आया था मैं। अच्छा ठंड लग रही थी भाई। चलो अब सिनेमैटिक देख लो पक्का। वैसे बता तो लोगों को कितनी दूर से आए हैं वापस? भाई 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर के बाद मेरे को ठंड लगनी स्टार्ट हो गई तो मैं घर पे आ गया। जैकेट और साथ में एक ही एक्स्ट्रा जैकेट डिग्गी में रखेंगे, अगर ज्यादा ठंड लगेगी तो इसके ऊपर ये भी डाल लेंगे। फाइनली गाइज वी रीच डॉट डेस्टिनेशन, हम लोग पहुंच चुके हैं और ये देख सकते हो आप लोग ये जो पीछे का एरिया है ना यहाँ पे हम लोगों ने पिछली बार बैठ के कचौड़ी खाई थी और यहीं पे बंदर आ गए थे और वो हमारी कचौड़ी छीन के ले गए थे। लेकिन पिछली बार का जो एक्सपीरियंस है ना वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, मतलब रिकॉर्ड मैंने करा था लेकिन वो मेरा फ़ोन चोरी हो गया, उसके अंदर मेरी 30 से 35 वीडियोस चली गई, सब कुछ चला गया। तो छोड़ो उस चीज़ पे बात नहीं करते, अभी चलते हैं अंदर फटाफट दर्शन करने के लिए। और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है आप लोग देख सकते हो, ये पूरा एरिया तो खाली है लेकिन वो खाने पीने का एरिया ना तो वहाँ पे थोड़ी बहुत भीड़ लगी हुई है और अब हमारे को ना यहाँ पे चप्पल वाला ढूंढना पड़ेगा, इनको मिल गया इनके पीछे पीछे चलते हैं। तो गाइस जूते हम लोग यहाँ पे जमा कर रहे हैं, आने के बाद यहीं से ले लेंगे और फिर यहाँ से हमारी मंदिर की मेन एंट्री होने वाली है। भाई यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं 20 रुपए का, 30-30 का कर देना। इन्होंने टोक दिया, 20 रुपए का ले रहा था और महंगा करूं भाई। भाई ऐसा करो आप 30 का ही ले लो। चलो धन्यवाद भैया, चलो 30 रुपए का प्रसाद लिया भाई, ठीक है 30 रुपए का। चलो भाई भगवान से क्या मांगने वाले हो आज? भाई मैं कुछ भी नहीं मांगता, मैं सिर्फ ये कहता हूँ भाई मेरा साथ दो और जितनी भी मुसीबत आए उनमें मैं ही नहीं कह रहा निकालो मेरे को, लेकिन थोड़ा बस साथ दो ठीक है। मांग नहीं तो भाई ठीक है भाई, मतलब भाई इतना तो हर बंदा बोलता है ना यार। गए
गाइस हमारे सामने ना यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक हनुमान चालीसा लिखी हुई है और बाकी ये जो पूरी दीवार है ना इसके ऊपर यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ लिखा हुआ है। फाइनली गाइस दर्शन करके निकल चुके हैं और सही बताऊँ ना तो मंदिर अंदर से ना बहुत ही ज्यादा सुंदर है देखने में। मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत सिनेमेटिक्स के अंदर मूर्तियां वगैरह भी दिखाई लेकिन वैसे सही बता रहा हूँ व्यू जो है ना मंदिर का वो बहुत ज्यादा सुंदर है। अब एक काम करते हैं भाई एक प्लेट कचौड़ी खा लेते हैं भूख लग रही है बहुत ज्यादा। भैया एक प्लेट कचौड़ी लगा देना। गाइस कचौड़ी तो ले ली है लेकिन अब इसको खाने के लिए ना यहाँ पे बैठने की जगह ढूंढ रहे हैं हम दोनों के दोनों। भाई कहाँ बैठे कुछ सजेशन दो। एक काम करते हो सीढ़ियों पे बैठते हैं आ जाओ सीढ़ियों पे बैठेंगे चलो। तो गाइस फाइनली जगह तो हमारे को कोई बैठने को मिली नहीं तो हम यहाँ साइड में ना सीढ़ियों पे बैठ गए हैं। गाइस कचौड़ी तो हमने खा ली है हमारे राइट साइड में ना भैया बैठे हुए लिट्टी चोखा लेके। भैया बिहार का लिट्टी चोखा है। बिहार का लिट्टी चोखा है चलो ठीक है बस बस कैमरा बंद कर दो खाने दो। ये देख देसी घी है एकदम ये देसी घी बिहार का प्योर। प्योर अच्छा ये बनता किससे है? ये आटा और चना सत्तू से बनता है। ठीक है इधर करो तो गाइस ये उठा लूं भाई। तो गाइस ये आटा चना और सत्तू से बनता है ठीक है। और चलो इसे आलू टमाटर बैंगन का चोखा अच्छा और साथ में लहसुन मिर्ची की चटनी और सरसों और मूंगफली और धनिया पुदीना की चटनी। भाई सुन के मजा सा आ गया भाई। भैया लगा दो फटाफट एक प्लेट लगा दो। वो सब तो होता रहेगा पहले हाथ गर्म कर लो। हाथ ठंडे हो गए भाई। गाइस मेन चीज तो ये है एकदम मक्खन के अंदर मक्खन है घी है भैया देसी घी है शुद्ध गाय का देसी घी है भाई इसके अंदर डिप करके दे रहे हैं। लाओ भैया लाओ थैंक यू। ये लो लेके भाग जाओ इसको स्नैच कर लो ठीक है यहाँ से भाग जाओ जितने में भैया पैसे मांगेंगे ना उतने में भाग जाओ। कितने रुपए प्लेट है भैया? 50 रुपए। एक सेकंड रुको दे रहा हूँ भाई। अभी भी पता है क्या हुआ है जहाँ पे भैया लिट्टी चोखा दे रहे थे ना वहाँ पे एक आंटी थी वो आई उन्होंने मेरे से पूछा मेरा व्लॉगिंग चैनल तो मैंने उन्हें बता दिया। अब वो घर जाके देखेंगे लेकिन मेरे को डर है कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े से कम है लेकिन व्लॉगिंग का स्टाइल अच्छा लगा उनको मेरा उन्होंने बोला कि आपकी ना व्लॉगिंग का स्टाइल अच्छा लगा। और गाइस अगर आप लोगों को व्लॉगिंग का स्टाइल अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब ऑन माय चैनल थोड़ी सी सपोर्ट करो। एक्सक्यूज मी ब्रदर। हाँ भाई। भाई आप मुझे सीपी तो घुमा लाए हो अब हम कहाँ जाने के बाद है? भाई अब हम जाएंगे गेट ऑफ इंडिया इंडिया गेट जाएंगे। और गाइस आप लोगों को एक सीन बताता हूँ मैं पता है क्या हुआ आंटी आई मेरे पास आंटी ने बोला आपका क्या नाम है मैंने कहा जी टार्जन। रुको ये आगे स्कूटी भाई। अच्छा ठीक है ना आगे स्टोरी तो बताने दो। तो गाइस आंटी मेरे पास आई आंटी ने बोला आपका क्या नाम है मैंने कहा टार्जन तो कह रही पीछे का लगाते फिर मैंने बोला मैंने कहा जोशी तो कह रही अच्छा जोशी लगाते हो आप मैंने कहा सौरव जोशी नहीं हूँ भाई मैं मजाक कर रहा हूँ टार्जन बख्शी नाम है। फिर उन्होंने चैनल देखा सब्सक्राइब करा तो यार मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन ही नहीं हो गई है भाई। हनुमान जी ने तो गिफ्ट दे दिया एक सब्सक्राइबर का। भाई ऑकवर्ड सिचुएशन पता है क्या हुई मैंने आंटी को बोला ना जोशी आंटी कही सौरव जोशी इतना मोटा कैसे हो गया। फिर आंटी को पता चला ओ सॉरी ये तो मैं हूँ लेकिन कोई नहीं फिर आंटी ने सब्सक्राइब कर दिया हमारे को। भाई मैं इतना कह रहा हूँ कि भाई सपोर्ट करो यार अभी हमारे कितने सब्सक्राइबर है 600 के आसपास होंगे इतने भी नहीं है भाई इससे भी कम है यार ठीक है। अभी मुझे एग्जैक्ट वो पता है बता दूं कितने हैं तेरे। भाई कम है भाई बहुत कम है वीडियो देखने वालों को पता है कितने हैं। तो गाइस शेयर कर दो अपने पूरे रिश्तेदारों को शेयर कर दो फैमिली टाइप भी व्लॉगिंग बनाते हैं ना हम लोग हैं भाई। हाँ भाई फैमिली टाइप बच्चे भी देख सकते हैं बच्चे फैमिली भाई फैमिली को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। अब चलो भाई अभी चलते हैं इंडिया गेट। गाइज लुक एट द व्यू मेरे पीछे देखो इंडिया गेट देखने में कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना और यहाँ की लाइट्स वगैरह काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। मेन चीज पता है क्या यहाँ पे लाइटिंग वगैरह बहुत ही बढ़िया है भाई बहुत ही बढ़िया और कसम से भाई इंडिया गेट देख कर तो मजा आ गया। अभी ना अंदर की एंट्री बंद है सब लोग यहीं से देख रहे हैं वरना फिर हम लोग भी अंदर जाते हैं लेकिन बाहर से भी देखने में ना काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। क्या हुआ वीरे घर नहीं चलना? भाई घर तो चलना है कसम से बता रहा हूँ मतलब मजा आया बहुत ज्यादा आके लेकिन मेरा मन था अंदर से देख के आऊंगा बाहर से व्यू एक नंबर लग रहा है लेकिन भैया कह रहे हैं एंट्री बंद हो गई आज स्पेशल पुलिस आनी थी वो आई नहीं इसीलिए एंट्री 10:30 बजे बंद कर दी और अभी 11:45 बज रहे हैं हम 15 मिनट लेट हो गए। अगर 15 मिनट पहले आ जाते ना तो लुक एट द व्यू ये देखने को मिलता वैसे देख बाहर से भी रहे हैं लेकिन चलो घर चलते हैं। या तो ठंड थोड़ी सी सह लेता तो ज्यादा अच्छा रहता यार 5 किलोमीटर फालतू चल लिए हम लोग भाई ठंड में। हाँ भाई हाँ यार वो घर चले गए ना दोबारा जैकेट लेने के लिए कोई नहीं कल परसों में दोबारा फिर से आ जाएंगे घूमते फिरते लेकिन देख के जरूर जाऊंगा मैं। गाइज हम लोग तो घर पे आ चुके हैं और घर के बाहर ना हमारे से मिलने के लिए हमारे 2 गेस्ट आए हैं तो मैं आप लोगों को मिलवाता हूँ। ये देखो 3 आए हुए हैं। हेलो भाई हेलो 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 इधर आओ हेलो हाथ तो लगा दो। ओ ये डर क्यों रही है मेरे से? मैंने डेली खाना डालता हूँ फिर भी ये मेरे से डर रहे हैं। इधर आओ है कई दिनों बाद मिल रहे हैं ना तुमसे। भाई 2 दिन गया था तुम्हारे घर कई दिन थोड़ी ना हुए हैं। चलो अंदर चलते हैं और फिर मम्मी से मिलते हैं और इनको इनको तीनों को खाना डालते हैं ठीक है। मैक्स आओ 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 मिलेंगे मैक्स आओ क्या हाल चाल देख रहे हो गाइस 3 घंटे बाद आए 3 घंटे के अंदर इतना तगड़ा स्वागत। मम्मी वो जो 3 कुत्ते हैं ना वो जो आगे से आते हैं वो आज कसम से बहुत ही ज्यादा भूखे हैं घर के बाहर खड़े हुए हैं उन्हें खाना दे दो। भैया ऐसा थोड़ी देर रुक जाओ। कितनी देर रुक जाऊं? 15-20 मिनट। मैं कह रहा हूँ पेडिग्री खिला दूं तब तक उन्हें फिर रोटी दे देना। नहीं पेडिग्री मत दे। ठीक है तो गाइस वैसे हम डेली उनको पेडिग्री देते हैं पर आज क्या दें?
अरे रोटी दे देती हूँ घी वगैरह लगा के। चलो रोटी बनाओ फिर, ठीक है। और सुनो, हम लोग घूम के आ चुके हैं, हम 2-3 मंदिर वगैरह दर्शन कराए हैं। वीडियो में हमने एक मंदिर दिखाया लेकिन हम गए 3 मंदिर है, 3 मंदिर में दर्शन करके आए हैं। भैया अपनी उम्र के अनुसार रहो, दिन में जाओ जहाँ जाना है दिन में। अरे हाँ। मम्मी ठीक है ना, समझ नहीं बात। वैसे जाना हमारा हाँ। दिन में ही था, लेकिन दिन में फिर मैं थोड़ा सा लेट सो के उठा था और फिर घर में इधर उधर टाइम लग गया, तो फिर हम शाम को गए थे। कितने, 7:30 बजे गए थे मम्मी। बहुत अच्छा, आ गए हो ना। हाँ चलो अब बैठो खाना। टाइम से आ गए भाई, 7:30 बजे गए थे और हम टाइम से आ चुके हैं, ठीक है। तो मम्मी तुम्हें हमारे पुराने वाले घर की याद आती है? हमने यहाँ पे 8 महीने और 100 वीडियोस कंप्लीट करी हैं, याद आती है? याद क्या करना, जो है ही हमारा घर तो याद क्या क्या करेंगे यार? नहीं तुम्हारा घर तो, ओ भाई वो लॉक लगा, वो इस पे अंदर नहीं जा सकते। फिलहाल गाइस खाना वाना खा के हम लोग बाहर सड़कों पे घूमने के लिए निकल चुके हैं। और ये देखो, ये सबसे आगे मम्मी चल रही है और मम्मी के पीछे इनका बॉडीगार्ड चल रहा है, अपने हाथ में साथ में डंडा भी ले रखा है उन्होंने। भाई डंडा दिखाना जरा, ये देखो गाइस, ये डंडा भी ले रखा है ताकि मम्मी को अगर कोई परेशान करे तो ये बॉडीगार्ड है ना हमारे, ये देख सकते हो आप, ये मम्मी की रक्षा करेंगे। और इन दोनों से आगे हमारा मैक्स चल रहा है। और मम्मी तुम्हारे हाथ में क्या है ये, क्या है ये, मैं क्यों बताऊं भाई? ये सोना चांदी थोड़ा ना लेके जा रही हो जो ऐसे कह रही है मैं क्यों बताऊं। है मैं बता देता हूँ भाई, हमारे यहाँ पे जो कुत्ते हैं ना उनको रोटी डालने के लिए जा रहे हैं। वैसे उस टाइम डाल दी थी लेकिन अब थोड़ी सी और डालने जा रहे हैं। भाई इतनी आगे मत लेके जाओ, इसको इधर ले आओ, भागे ना और भी कुत्ते हैं, फिर काम का लड़ाई वड़ाई हो जाएगी। इधर ले आओ, मैं रात को भाई कुत्तों की गैंग वॉर हो जाएगी सबकी। इधर ले आओ इसे, मैक्स आ इधर, इधर इधर इधर। मम्मी सुनो, तुम्हें रोटी डालनी है ना, तुम अकेली डाल के आ जाओ, हम इधर जा रहे हैं। ओए मैक्स पकड़ो उसको, पकड़ो 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 पकड़ो, इधर ले आओ, इधर ले आओ, इधर खींच लो शिवम भाई, खींच लो इसे, ये मानेगा नहीं, खींच लो खींच लो खींच लो भाई, क्यों नहीं सुनेगा तुम्हारी, कैसी बात कर रहे हो। इधर खींच मैक्स, इधर इधर आ जा, चल इधर देख, हो गई ना, देखा भाई भौंकना स्टार्ट कर दिया ना, वो देखो तीनों आ गए। अच्छा ये तो इसके दोस्त ही हैं, आ जाओ, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो। मुझे मुझे लगा था दुश्मन कुत्ते, मुझे लगा था दुश्मन कुत्ते ना आ जाए, पर ये तीनों इसके दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्स ओए ओए भाई, अच्छा अच्छा, अबे नहीं नहीं इनकी गलती नहीं है, दो और हैं नए कुत्ते हैं ना ये भाई। शिट हो गया, दो मिनट के लिए सांसें अटक गई थी। वैसे ये तीन कुत्ते इसको जानते हैं लेकिन जो दो कुत्ते और हैं ना ये जानते नहीं है, तो एकदम से इस पर अटैक करने के लिए आया आप लोगों ने देखा। नहीं मम्मी नहीं, इनकी भाई नहीं, इनकी गलती नहीं है ये सुनो मम्मी, ये तीनों इसको जानते हैं, वो जो दो आए थे ना वो इसको जानते नहीं, तो उनको अननोन लगा ये। ओए मैक्स इधर आ, वो देखो गाइस, वो देखो उधर चला गया, इधर आ इधर आ। बेचारा डर गया बहुत ज़्यादा, रुक जाओ मैं मिल के आता हूँ इससे, इधर आ मेरे पास आ, क्या हो गया है, आ इधर आ। लेकिन इसको कुछ कहा नहीं है उन्होंने, लेकिन डर गया भाई, मैं मेरी भी एक मिनट के लिए सांस ऊपर हो गई। मैक्स क्या हुआ है, कुछ कहा उन्होंने तेरे को, मारा उन्होंने है? कोई नहीं भाई, इसको कंफर्टेबल करो, थोड़ा सा डर गया बेचारा यार। मैक्स आज कुछ कहा तेरे को है, चल ठीक है, मैं तेरे को पहले ही बोल रहा था ना उधर चल ले, तू मेरे पीछे पीछे जा रहा था, डंडा तेरे हाथ में, डरा के मैं भागा रहा हूं। भाई वैसे वो तीनों जानते हैं लेकिन वो जो दो थे ना वो नहीं जानते, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कर दिया, लेकिन फिर भी मारा नहीं है उन्होंने। सुन उन्होंने रोटी खांदे फिर उनमें डंडा फिट करेंगे। कह रहे रोटी खांदे फिर मार के आएंगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मारेंगे तो भाई आगे भाई, वो तो मैं को सुन नहीं कर रहा। वैसे ये भी मार... नहीं नहीं मारेंगे मारेंगे नहीं, मॉडिफाइड स्प्लेंडर गड़ी है। चलो भाई मैक्स, मैं तो तेरे को कह रहा था ना, मैं इसको कह भी रहा था चल ले चल ले, फिर वो तीनों आ गए, मैंने कहा तो जानते हैं इसको, कोई नहीं बेटा, लेकिन फिर भी अटैक हो गया इसके ऊपर भाई, इस पर टोरा बनवाना पूरे इलाके में, इसका बैनर लगवा देंगे। चलो मैक्स दो अपनी दोस्ती यारी कर ले भाई, मैं इसको बोलता हूँ कि थोड़ा दूर, डर नहीं रहा इतने जितना तू बोले। मैं इसको बोलता हूँ कि भाई 4-5 गली दूर जाया कर, गलियों के हाँ, मैं इसको कहता हूँ, मैंने यार दोस्त बना, तेरे को लड़ाई वड़ाई हो गई तो 4-5 यार दोस्त के होने चाहिए ना। और कितने कुत्तों से बात कर लेते हैं आप गली गली के भाई? मैं थोड़ा ना करता हूँ, मैंने इसको बोलता हूँ, मेरे घर में भी कुत्ता बात करने भाई मेरा कोई पर्सनल काम थोड़ा ना कुत्तों से बात करने का। मम्मी रोटी डाल दी है? वो सारे भूखे हैं, देखते हैं लिपटते हैं। इधर बोलो कैमरा इधर है। अरे भूखे हैं, लिपट के हैं खाने के लिए। रोटी डाल दी? हाँ। चलो गाइस अब घर चलते हैं घर, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। और ये देखो ये अपना यहाँ पे फ्री हो रहा है, फ्रेश हो रहा है, चला गया आगे। इधर जाए ना, इधर जितना मर्जी घूम ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर के ना 2-3 कुत्ते जानते हैं लेकिन बाकी नहीं जानते, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, रात का 1 बज गया, अगला व्लॉग कल सुबह सुबह उठते ही स्टार्ट कर देंगे।